नमस्ते दोस्तों, घूमने के शौकीनों, चलिए आज भारत के एक छुपे हुए रत्न सीतामढ़ी की सैर करते हैं। आराम से बैठिए और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सीतामढ़ी के इतिहास और घूमने की जगहों के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं थोड़े से इतिहास से। बिहार में स्थित सीतामढ़ी को भगवान राम की पत्नी सीता का जन्म स्थान माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता एक हल से जोते गए खेत में मिली थी और इसीलिए इस जगह का नाम सीतामढ़ी पड़ा, जिसका मतलब है सीता का निवास। कितना मजेदार है ना, अब थोड़ा सा इतिहास हो गया। अब चलते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है जानकी मंदिर। ये मंदिर सीता जी को समर्पित है और सीतामढ़ी आने वाले हर किसी के लिए इसे देखना बहुत जरूरी है। इसकी वास्तुकला बेहद खूबसूरत है और यहाँ का माहौल वाकई आध्यात्मिक है। इसके बाद हमारे पास है हालेश्वर स्थान। ये मंदिर शिव जी को समर्पित है और यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति का एहसास होगा। मंदिर हरियाली से घिरा हुआ है, जो इसे कुछ शांति और सुकून पाने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। अब अगर आपको इतिहास से लगाव है तो आप पंत पाकर को भूल नहीं सकते। कहा जाता है कि अयोध्या जाते समय सीता ने यहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम किया। वो पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, इतिहास का एक जीवंत हिस्सा। और अगर आपको थोड़ा एडवेंचर पसंद है तो जरूर जाइए बागीमैथ। ये प्राचीन मठ न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यहाँ से कुछ लुभावने नजारे भी देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी ट्रैकिंग और इंस्टाग्राम के लिए बढ़िया तस्वीरें लेने के लिए एकदम सही जगह। रिलैक्स करने की बात करें तो सीतामढ़ी कुछ बेहतरीन जगहें आराम करने के लिए भी प्रदान करता है। एक बार आप यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स देख लें तो फिर चलिए यहाँ के लोकल मार्केट्स की तरफ। सीतामढ़ी के बाजार चहल पहल से भरे रहते हैं और आपको यहाँ पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट से लेकर स्वादिष्ट स्थानीय नाश्ते तक सब कुछ मिल सकता है। अगर आपको लोकल खाने का मजा लेना है तो यहाँ के स्ट्रीट फूड को मिस मत करिएगा। लिट्टी चोखा ट्राई कीजिए, एक लोकल डिश जो बेहद लजीज होती है। यकीन मानिए, आपके स्वाद कलिकाएं आपका शुक्रिया अदा करेंगी। तो ये थी सीतामढ़ी की एक छोटी सी झलक। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, आध्यात्मिक खोज में हो या बस एक शांतिपूर्ण जगह की तलाश में हो, सीतामढ़ी में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अपना बैग पैक कीजिए और सीतामढ़ी के अजूबों को देखने के लिए तैयार हो जाइए। और अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करना ना भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक मजे से घूमते रहिए।